हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। आज के वीडियो में मैंने दो डिज़ाइन अपलोड किए हैं, वो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। और ये काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो गई हूँ, पर मैं किसी की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी आप छोटे बच्चे के हाथ में मेहंदी लगाएं, तो कुछ मतलब ऐसा जो उन्हें भी खुद बहुत पसंद हो, उसी तरीके से आप अगर मेहंदी लगाएंगे ना, बच्चे बड़े प्यार से लगवा लेते हैं। जैसे फ्लावर बनाया, बड़े बड़े फ्लावर बनाइए, बहुत छोटे छोटे अगर बनाएंगे ना, तो बच्चों को एक तो समझ में नहीं आते हैं और दूसरा वो परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा देर तक अगर बैठना पड़ता है तो भागने लगते हैं इधर उधर। आपने देखा ना कि जो मतलब जिस हाथ में मैं लगा रही हूँ, मेरे बेटे का हाथ है, तो बड़ी मुश्किल से वो मतलब बैठ रहा था और मैंने कैसे उसे कन्विंस किया है, तो वो मैं अभी आपको पूरे वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी फेस जैसा बनाया है, ऐसे ही कुछ इमोजी करके ऐसे बनाइए आप अपने बच्चे के हाथ में मेहंदी डिज़ाइन, उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। या जैसे बटरफ्लाई होती है, या और डिफरेंट तरीके के फ्लावर, या सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल, जैसे कि बर्थडे पार्टी होती है, डेकोरेशन होता है ना, इस तरीके का आप कुछ इमेजिन करके ना बच्चे के हाथ में अप्लाई कीजिए मेहंदी डिज़ाइन। बड़ी खुशी खुशी लगवा लेते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, उन्हें एक स्टोरी जैसा लगने लगता है कि मतलब हाँ कुछ बनाया जा रहा है, अच्छा ये वो है, अच्छा ये फ्रिल है, मतलब अलग अलग तरीके का। और जैसे खाली जगह यहाँ पे आप डॉट डॉट कर दीजिए, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये बार ट्राई करके ज़रूर देखना, हो सकता है कि शायद मतलब सबका अलग अलग कहना या मतलब मानना हो। फिलहाल मेरे को ये लगता है, जैसे मैं कभी अपने बच्चों के हाथ में मेहंदी लगाती हूँ तो फाइनली उन्हें इसी तरीके से ही पसंद आता है। और जो दूसरा मेहंदी डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सिंपल सा है। वैसे तो अगर आप चाहें ना तो बेल की तरह भी बना सकते हैं, जैसे दो तीन फूल करके बना दिए और मतलब जिग जैग करके आप लाइनिंग कर दीजिए, उसमें छोटे छोटे डॉट लगा दीजिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। पता है फ्रेंड्स, जब मैं इस मेहंदी डिज़ाइन को लगाने के लिए बैठी थी, तो मैंने अपने बेटे को जब बोला कि प्लीज़ बेटा लगवा लो, तो क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी मेहंदी लगाने के लिए तो एग्री होना ही नहीं है, क्योंकि भाई वो एक मन में बात आ जाती है कि क्योंकि अगर बॉयज़ लगाते हैं तो दूसरे लोग टोक ही देते हैं कि अरे तुमने क्यों मेहंदी लगाई है। और फिर मैंने कहा कि देखो कोई बात नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स क्या होता है, सभी लोग मेहंदी लगा लेते हैं। बट नहीं, फिर मैंने क्या करा, थोड़ी सी रिश्वत मैंने दी, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं छुपा छुप दूँगी। आपने सुना होगा छुपा छुप बच्चों के लिए आता है खाने के लिए। तो फाइनली मेरा बेटा तो पहले एक में लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उसने दोनों हाथों में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और बहुत देर तक बेचारा क्यूट से मेरा बेटा बैठा रहा और मुझे तरस भी आ रहा था, पर मैं क्या करती हूँ क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मी छुपा छुप देंगी, कहीं कहीं मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी, पर क्या करूँ। फाइनली उसको बाद में अच्छा लगा और आप देखना जो लास्ट वाला पिक है वो भी बहुत पसंद आया था, मतलब मुझे भी बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आज का ये मेहंदी डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।